हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल में ही नेटफ्लिक्स पे कार्गो नाम की मूवी रिलीज हुई है और ये फिल्म जॉम्बी से रिलेटेड है। अब जब भी हम जॉम्बी की बात करते हैं तो हम या तो एक्शन या फिर एक हॉरर फिल्म एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कार्गो मोस्टली एक इमोशनल हॉरर टाइप की एक रोलर कोस्टर राइड है जहां आपको एक इंसान अपनी छोटी बेटी को सेफ लोकेशन पर पहुंचाने के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कार्गो मूवी की पूरी डिटेल्स दूंगा और इसके साथ मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ जॉम्बी फैन थ्योरीज बताऊंगा जो कि बहुत ही दिलचस्प होंगे। तो दोस्तों, कार्गो फिल्म के जॉम्बीज पहले ह्यूमंस थे जो कि एक वायरस से इन्फेक्टेड होने के कारण जॉम्बीज में तब्दील हो गए थे। हर जॉम्बी की तरह ये भी ह्यूमन फ्लैश खाते हैं और इनके काटने से एक इंसान 48 घंटे में जॉम्बी में तब्दील हो जाता है। जॉम्बी में तब्दील होने की स्पीड इस पर डिपेंड करती है कि इन्फेक्टेड इंसान के शरीर में कितना खून है। ये जॉम्बीज अक्सर जमीन में गड्ढा खोदकर अपने सर को गड्ढे के अंदर डालते हैं क्योंकि इन्हें अंधेरा पसंद है। अंधेरे में ये जॉम्बीज हाइबरनेट करते हैं जिससे इन्हें रेस्ट मिल जाती है और शायद इसीलिए इन जॉम्बीज का दूसरा नाम डिगर्स है। तो अब अगर हम कार्गो फिल्म की बात करें तो यहाँ हमें एक परिवार देखने को मिलता है जो कि इस वायरस से बचा हुआ था। इस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक बहुत ही छोटी बच्ची थी जिसका नाम रोजी था। पति का नाम एंडी था और पत्नी का नाम के था। फिल्म शुरुआत से ही टेंशन भरी थी जहाँ ये परिवार एक नाव पे अपना जीवन चला रहे थे और इनके पास खाना बहुत ही कम था। रिवर में आगे बढ़ते हुए इस परिवार को एक आधा डूबा हुआ बोट दिखता है जिसके अंदर एंडी को ढेर सारा खाना मिलता है। एंडी सारे फूड को अपने बोट पे ले आता है और वो अपनी वाइफ को एक वाइन बॉटल गिफ्ट करता है जिसपे हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। के को थोड़ा बुरा फील होता है कि वो एंडी को कुछ भी गिफ्ट नहीं कर पाई और इसीलिए वो वापस उस आधे डूबे हुए बोट पे एक्स्ट्रा फूड की तलाश में जाती है। केक वहाँ उस बोट के क्लोजेट से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकल सके उस पे एक जॉम्बी अटैक कर देता है जो कि उस बोट के क्लोजेट में छिपा था। के भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और एंडी इस बात से बहुत उदास होता है। वो के हाथ में एक रिस्ट बैंड लगाता है जिसमें 48 घंटे का टाइमर सेट होता है जिसके बाद उसकी पत्नी भी एक जॉम्बी बन जाती। के ऑलरेडी इन्फेक्ट होना शुरू हो गई थी और उसने ब्लड वॉमिट करी। इतना ही नहीं, उसके घाव में से एक अजीब सी स्लाइमी चीज़ निकल रही थी जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी एक जॉम्बी में तब्दील होने वाली है। के एंडी से बोलती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन फिर भी एंडी उसे एक कार में बिठाकर नियर बाई हॉस्पिटल तक ले जाने की कोशिश करता है। रास्ते में उन्हें एक जॉम्बी खड़ा दिखता है जिससे न टकराने के चक्कर में इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट में के शरीर में एक पेड़ का टुकड़ा धंस जाता है जिससे उसके शरीर का सारा खून बाहर निकल जाता है। ऐसा होते ही के एक जॉम्बी में तब्दील हो जाती है और वो एंडी को ही काट लेती है। एंडी तुरंत ही के को एक नीडल से मार डालता है जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है और अब चूंकि उसके पास भी सिर्फ 48 घंटे थे, वो अपनी बेटी रोजी के लिए एक नया घर ढूंढने लगता है। वो रोजी को लेकर उसी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है जहां वो अपनी बीवी को ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे वही जॉम्बी दिखता है जिसके कारण उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। इस जॉम्बी के मुंह में एक हड्डी थी, मानो किसी ने उसकी बाइट से बचने के लिए यह जुगाड़ लगाया हो। गुस्से में एंडी इस जॉम्बी को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां टूमी नाम की एक लड़की दौड़ते हुए आती है और वो एंडी से अपने पिता को न मारने की गुजारिश करती है। जी हाँ, ये जॉम्बी टूमी के डैड थे और टूमी उनके इन्फेक्टेड होने के बाद भी उन्हें जिंदा रख रही थी। इसके बाद एंडी उस विलेज तक पहुंचता है जहां एक हॉस्पिटल था, लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में भी इस वायरस का कोई इलाज नहीं था। एंडी वहां एक औरत एडा से मिलता है जो कि उस टाउन के स्कूल की टीचर थी। एडा बताती है कि अब ओरिजिनल्स लोगों ने इस टाउन को खाली कर दिया क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। वो लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल को छोड़कर अपने एंसेस्टर्स के तौर तरीके से जीवन व्यतीत करने लगे थे और अब ओरिजिनल स्टूडेंट्स में से एक टूमी भी थी। टूमी वहां से इसीलिए भागी क्योंकि उसे पता था कि इस ग्रुप के लोग उसके जॉम्बी में तब्दील हुए पिता को मार डालेंगे और इसलिए वो उन्हें सुरक्षित रख रही थी। टूमी को भरोसा था कि उसके पिता को मैजिक से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। एडा यह भी बताती है कि एंडी की बेटी के लिए सबसे सुरक्षित जगह एबोरिजिनल लोगों के पास है, लेकिन वो लोग एंडी को मार डालेंगे क्योंकि एंडी इन्फेक्टेड था।
तो इसके बाद एंडी अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से आगे बढ़ता है और उसे एक और सर्वाइवर मिलता है। इस बंदे का नाम विक था और वो उसे अपने जगह पे टेम्पररी रिफ्यूज देने को तैयार हो जाता है। विक कंटेनर्स में अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ रहता था। अब मैं यहाँ सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉरेन एक्चुअली में विक की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि विक ने उसे अपना लव स्लेव बनाकर रखा था। विक एक अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि वो जिंदा लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करके जॉम्बीज को अट्रैक्ट करता था और फिर वो उन जॉम्बीज को मार डालता था। इसके अलावा वो लोगों के बॉडी पार्ट्स का भी इस्तेमाल करता था और उसके चारे में से एक लड़की थूमी भी थी। एंडी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। उसी रात एंडी भी एक जॉम्बी में तब्दील होना शुरू हो जाता है और वो एक इंजेक्शन से अपने आप को मार डालने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ लॉरेन आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उसे बताती है कि विक एक अच्छा इंसान नहीं है और उसकी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगी। हालांकि वो उसकी बेटी को ज़रूर पालेगी, लेकिन विक के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन बातों के दौरान ही विक वहां आ जाता है और वो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को रात में एंडी के साथ देखकर एंडी पे हमला कर देता है। इस हमले से एंडी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो भी एक चारे की तरह जॉम्बीज को ट्रैक करने के लिए एक पिंजरे में बंद था। इस पिंजरे में टूमी भी थी और वो दोनों मिलकर इस पिंजरे से निकलने की कोशिश करते हैं। एंडी बहुत ही चालाकी से इस केज के चेन पे कुछ कटे बॉडी पार्ट्स लगाकर दूर फेंक देता है और जब जॉम्बीज उस चेन पे लगे बॉडी पार्ट्स को खींचते हैं तो उस केज का दरवाज़ा खुल जाता है। इसके बाद एंडी टूमी के साथ विक के कार कीज को चुरा लेता है और वो अपनी बेटी रोजी और लॉरेन के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान विक की नींद खुल जाती है और वो एंडी पे गोली चलाता है, लेकिन बीच में लॉरेन आ जाती है जिसके कारण वो गोली लॉरेन को लग जाती है। इसके बाद एंडी टूमी और रोजी के साथ वहां से भागता है और उसे ऐसा लग रहा था कि विक उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते ये लोग रात गुजारने के लिए एक जगह रुकते हैं जहाँ टूमी एंडी को दीवार पे लगे खून को चाटते हुए देखती है। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि एंडी की इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है और उसके पास वक्त बहुत ही कम था। तो अगली सुबह एंडी टूमी के पिता के बारे में बात करता है और वो टूमी को समझाता है कि उसके पिता अब नहीं बच सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूमी की माँ उसके पिता यानी अपने पति के जैकेट्स को पेड़ों से लटकाकर छोड़ देती है, जिसका मतलब था कि एबोरिजिनल्स ने टूमी के पिता को जान से मार डाला है। तो इसके बाद टूमी एंडी को एबोरिजिनल्स के पास ले जाने लगती है और रास्ते में उन्हें एक टनल मिलता है जहां इनकी मुलाकात एक बार फिर से विक से होती है। विक और एंडी के बीच लड़ाई होती है जिसमें विक एंडी को गोली मार देता है और वो टूमी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी तब तक मरा नहीं था और वो विक से उसकी बेटी रोजी को न मारने की गुहार लगाता है। वो बोलता है कि लॉरेन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी और रोजी को मारकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। विक का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और इसी बीच एंडी अपनी बेटी रोजी और टूमी के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। इस हाथापाई में टूमी को बुरी तरह से चोट लगी थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। इसके अलावा एंडी को गोली लग चुकी थी और चूंकि उसके शरीर से खून बाहर निकल रहा था वो जॉम्बी में तब्दील होने लग गया था। उसे पता चल गया था कि ये शायद उसकी ज़िंदगी का अंत है, इसलिए वो कुछ ह्यूमन फ्लेश को एक लकड़ी पे बांध देता है और अपनी बेटी रोजी को आखिरी बार अलविदा कहता है। टूमी उसके मुँह में एक बाइट गार्ड लगाती है और रोजी को उसके पीठ पर डालती है, फिर वो खुद भी उसकी पीठ पे बैठ जाती है और इसके बाद वो उस फ्लेश वाली लकड़ी को एक चारा की तरह उपयोग करके एंडी के सामने रखती है। एंडी अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुका था और वो उस लकड़ी के पीछे पीछे चलने लगता है और टूमी उस लकड़ी का दिशा बदल बदल कर एंडी और रोजी को एबोरिजिनल्स तक पहुंचाती है। बेसिकली वो लोग एंडी की सवारी करके अपनी मंजिल तक पहुंच रहे थे। एबोरिजिनल्स के पास पहुंचते ही ये हंटर्स एंडी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन थूमी उन्हें रोकती है और एंडी के सामने उसकी बीबी के की परफ्यूम छिड़कती है ताकि एंडी आखिरी बार अपनी बीवी को याद कर सके। इसके बाद एबोरिजिनल्स एंडी को मार डालते हैं। थूमी और रोजी इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और एंडी मरने के बाद भी अपनी बेटी रोजी को बचाने में कामयाब हो गया था। एंडी को भी एक पेड़ में दफनाया जाता है और उसकी बेटी रोजी को नया घर मिल चुका था। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस जॉम्बी इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरी बताऊंगा। मूवी में ऐसा कभी नहीं बताया गया कि ये वायरस कैसे आई, लेकिन कुछ सीन्स को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब इंसानों की गलती थी। इंसानों ने माइनिंग के लिए ज़मीन में गहरे गड्ढे खोदे थे और उनमें पाइप्स डाले थे जिससे वो एरिया टॉक्सिक होता जा रहा था। इसके कारण वहाँ एक नए वायरस ने जन्म लिया जिससे शुरुआत में कुछ ही लोग इन्फेक्ट हुए थे।
धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ती गई और मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस जॉम्बीज में तब्दील हो गए। यहाँ हमें यह मैसेज दिया जा रहा है कि अगर हम अपनी पृथ्वी को उसके नेचुरल स्टेट में ही छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी अपने डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपने प्लैनेट को बीमार कर देते हैं और जब ऐसा होगा तो हमारा प्लैनेट ऐसे ही खतरनाक वायरसेस प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो पर्सनली मुझे ये मूवी अच्छी लगी। इस मूवी के इन्वायरमेंट बहुत ही टेंस्ड है और ये एक काफ़ी डिफरेंट जॉम्बी मूवी है। एक्टर्स ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है और हालांकि इस फिल्म में आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये फिल्म आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आपको भी कार्गो फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।